हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कौन ज़्यादा दिन तक रह सकता है बगैर किए, एक लड़का या एक लड़की, एक पुरुष या एक औरत। तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे आज। तो क्या होता है, लड़के का जो बॉडी है वो अलग है, लड़की का जो बॉडी है वो अलग है। तो उसी के हिसाब से दोनों को नीड होती है इसकी कि हम इंटीमेट हों, फिजिकल हों। दोनों को करने का मन करता है लेकिन अपने अपने समय पे। लड़के का बॉडी क्या है, अगर वो वाइफ से नाराज़ भी है किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन वो यहाँ पे अगर उसकी वाइफ आती है, हल्का सा टच करती है या गले लगाती है, तो जो हस्बैंड होता है, जो एक पुरुष होता है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। सारी नाराज़गी वहीं पर ख़त्म हो जाती है और वो तुरंत रेडी हो जाता है करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फीमेल के केस में बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड से सोचती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तो यहाँ पे अगर वो नाराज़ है किसी चीज़ को लेकर, तो आप जाओगे उसके साथ कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो वहाँ पे वो तुरंत आपको हटा देगी, धुतकार देगी या फिर पुरानी बातें लेके वहाँ पे लड़ाई करने लगेगी। तो इस टाइप से होता है, वो आपको करने ही नहीं देगी, यहाँ पे साफ वो मना कर देगी और दूर हट जाएगी, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे किसका ज़्यादा मन करता है। तो यहाँ पे जो लड़के होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा मन करता है और बहुत जल्दी तुरंत तैयार भी हो जाते हैं, एक्टिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं के केस में पूरे मंथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण उसका मन जो है ना कभी कभी नहीं करने का करता है। और जैसे कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिस समय उसका मन जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करने का उसका मन होता है। वो समय है जैसे पीरियड ख़त्म होता है, ओवुलेशन का जो समय होता है, इस टाइम पे अगर आप अपनी वाइफ को अप्रोच करते हो तो वो तुरंत तैयार हो जाती है और उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहीं पर बात करें पीरियड आने से 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले की अगर बात करें, उस टाइम पे अगर आप अप्रोच करते हो अपनी वाइफ को, तो वहाँ पे वो ना बोल दे या फिर घर की कुछ परेशानी को लेकर, बच्चों की परेशानी को लेकर, अगर माइंड में कोई टेंशन है या फिर आपसे मनमुटाव चल रहा है, तो इस केस में अगर आप अपनी वाइफ को अप्रोच करते हो तो यहाँ पर आपकी वाइफ तुरंत आपको मना करेगी या फिर धुतकार देगी या लड़ाई कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के केस में अलग अलग है। नीड वैसे दोनों को सेम है कि दोनों की बॉडी को ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे एक महिला जो है उसका मन जो है बिल्कुल भी इसके प्रति नहीं जाता है। लेकिन यहीं पे लड़कों की बात करें तो लड़कों का जो मन है वो माइंड से नहीं सोचता है, वो केवल कुछ देखा, अपनी वाइफ को देखा, टच किया या फिर लड़ाई भी हुई है ना, तो उसकी जो वाइफ है वो अगर मना ली तो वो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हो जाता है। और वो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, हमारी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको ज़्यादा मन करता है। नीड दोनों की बराबर होती है, बट कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर एक लड़की का मन जो होता है वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता है। मिलते हैं ऐसे कुछ और वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय।